इजराइल में आज़ादी के बाद पहली बार धार्मिक कट्टरवादी सरकार बनने जा रही है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सीमा पर 3 रोबोटिक गन लगवाई है। इनमें से 2 वेस्ट बैंक में लगाई गई हैं, जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर अक्सर फिलिस्तीनी इजराइल के खिलाफ विरोध जताते हैं। इन रोबोटिक गन्स के जरिए आंसू गैस, स्मोक ग्रेनेड और स्पंज बुलेट छोड़े जाते हैं। यह गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से टारगेट तय करती है। यह गन जानलेवा तो नहीं, लेकिन बहुत घातक होती है। नेतन्याहू खुले तौर पर फिलिस्तीन विरोधी कट्टरपंथियों के साथ हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए बनी दीवार का काम आगे बढ़ा सकते हैं। इधर फिलिस्तीनी मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इजराइल के चुनावी लोकतंत्र का एक ही मकसद है, फिलिस्तीनी अरब लोगों का दमन और यहूदियों का वर्चस्व बनाना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगियों के चलते इजराइल के द्विपक्षीय व्यापारों पर असर पड़ेगा। हाल ही में नेतन्याहू के सहयोगी और कट्टरवादी नेता बेन ग्वीर आतंकवाद के दोषी रहे कहाने के मेमोरियल पर गए थे।